व बरकातहू तसव्वुफ पर लिखी हुई किताब इकमालोश्यम को डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर गुफगू कर रहे हैं उससे सबक हासिल कर रहे हैं बाब नंबर पाँच के एक और टॉपिक के ऊपर आज हम लोग गुफ्तू करेंगे उससे सबक हासिल करेंगे और वह है बंदगी और फनायत मकसूद असली इस जगह पर फरमाते हैं, गुमनामी की ज़मीन में अपने वजूद को दफ़न कर दे, क्योंकि जो दाना ज़मीन में दफ़न नहीं होता इसका नशनुमा कामिल नहीं होता यानी इंसान के नफ्स को सब चीज़ों से ज़्यादा महबूब और अजीज़ यह है कि लोगों के दिलों में बड़ा शुमार हो और मुझे लोग बड़ाई और इज्जत की नज़र से देखें और नेज़ इसी की फरा है कि इंसान शोहरत और नामी का तालब है और ये खसलत अल्लाह के रास्ते के लिए राहजन है और अखलास व सिद के बिल्कुल खिलाफ है इसलिए कि मकसूद तो बंदगी और ग़ुलामी है ना कि खुदाई बड़ाई तो खुदा तला ही का हक है बस बंदा का काम ग़ुलामी और मौला हकी के बारगाह में अपने आप को जलील और ख्वार करना है इसलिए शेख रहा आ फरमाते हैं कि गुमनामी और ख्वारी जो मुशाबा ज़मीन के है मैं अपने वजूद को दफन कर दे यानी अपने आप को गुमनाम और ख्वार बना दे। क्योंकि जो दाना ज़मीन में दफ़न न किया जाए वो नशनुमा नहीं पाता इसी तरह जो इंसान गुमनामी की ज़मीन में मदफून ना हो और शहरत व नामो नामोरी के मोहब्बत में रहे उसके नफ्स के कमालात की तकमील नहीं होती और वो नाकिस रहता है इस जगह पर मुनब सा फरमा रहे हैं कि यानि कोई भी इंसान का वो आ, मेराज या मकाम में मेराज के वाले से बा, बात को शुबा दे रहे हैं मुशाबा कर रहे हैं उसका आ, एक बीज की से पौधे के बीज से दरख्त के बीज से कि जब तक उस बीज को आप ज़मीन के अंदर नहीं दफनाओगे और वो सड़ गल ने के बाद ज़मीन से एक पौधे की शक्ल में निकलता है और फिर एक बड़े दरख बड़ा दरख्त बन जाता है तो जब तक उस बीज को उस ज़मीन में न दफनाया जाए तब तक वो बीज दरख्त की शक्ल इख्तियार नहीं करता इसी तरह इंसान की महराज ई दफन होने में है यानी खुद को ख़त्म करने में खुद को ला के मकाम तक लाने में है जब तक इंसान अपने आप को दफन या ख़त्म नहीं करता यानि फना फिल्ला के मकाम तक वो नहीं पहुंचता, तब तक वो मेराज तक हासिल नहीं कर सकता तो एक इंसान की फना फिल्ला के मकाम तक जब पहुंचता है जैसे इकबाल कहते हैं कि आ, मिठा दे अपनी हस्थि को गर तू मरतबा चाहे मिठा दे अपनी हस्थि को गर तू मरतबा चाहे कि दाना ख़ाक में मिलकल मिलकर गुले गुलजार होता है तो ये रब का फार्मूला है रब का तरीका कार है रब का कानून है कि तू मरतबा चाहे अगर तुम दरख्त बनना चाहते हो अगर तुम रूज हासिल करना चाहते हो अपनी मेराज हकीकी तक पहुंचना चाहते हो अहसन तकवीम के मकाम तक पहुंचना चाहते हो तो इससे पहले तुमको ख़ुद को मिटाना होगा यानी ला के मकाम तक लाना होगा फनाफिल्ला के मकाम तक लाना होगा किसी कामिल मुर्शिद के आत पे बैठ करके उसमें अपने आप को फना करना होगा पहले यूँ फना फना होता हुआ होता हुआ होता हुआ फना फिल्ला के मकाम तक जब आप पहुँच जाओगे फिर आपका हाथ अल्लाह बोलता है फिर मैं उसका उसका हाथ मेरा हाथ उसकी ज़ुबान मेरी ज़ुबान उसकी बात मेरी बात बन जाती मैं उसका मुंह बन जाता हूँ मैं उसका हाथ बन जाता हूँ तो ये मर्तबा उस इंसान को उस शख़्स को मिलता है उस जद करने वाले मुजाहिद को मिलता है जब वो अपने आप को अपनी हस्थि को मिटा देता है तो अपनी हस्थि को जैसे गोसपाक शेख अब्दुल कादर नी रम फरमाते हैं उससे किसी ने पूछा शिरक क्या है तो आपने फरमाया सबसे बड़ी जो के अजीम है वो ये है कि ये काम मैंने किया यानी कोई भी काम आपसे सरजद हुआ अच्छा आप उसका जो है क्रेडिट अपने आप को दे रहे हैं कि ये काम मैंने किया मैंने फिलहान को पैसे दिए उसने जाके अपने रिश्तेदार का भाई का बहन का बेटे का बीवी का माँ का इलाज कराया ओ जो से याब हो गया मैंने इसकी सिफारिश की ये जो है नौकरी पे लग गया मैंने इनको इनकी हेल्प की तो आज ये इधर तक पहुंचे तो ये मैं मैं जो है जब तक ये मैं है तब तक इंसान अपनी कमाल तक नहीं पहुंच सकता तो ये शिरक अजीम इससे निकलना चा, चाहिए और कल में के ऊपर गौर करें कि ला, 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 ला महबूद ला मकसूद ला मौजूद ला महबूब ल तो ला हर चीज़ ला ही शुरू ही ला से होता है अभी पहले अपने आप अपने वजूद को मिटा दो पहले ख़ुद को कुछ ना समझो मैं मेहनत कर रहा हूँ आबिद बना बैठा हूँ जायद बना बैठा हूँ ताजार गुजार बना बैठा हूँ कि मुझे और दिल के किसी कोने में यह बात छुपी हुई है कि लोग मेरी इज्जत करें मुझे प्यार करें मेरा शोहरत हो मेरा नाम हो तो ऐसा जब तक मैं खुद को कुछ समझू समझता हूँ तब तक मैं कुछ नहीं हूँ जिस दिन मैंने अपने आप को कुछ नहीं समझा समझ लो मेरा उरूज उधर से शुरू हो गया है तो इस उरूज को हासिल करने के लिए इंसान को हर अमा वक्त हर वक्त अपने नफ्स के ऊपर नज़र छौकन्ना रखने रख रक के बैठना पड़ता है इस किस्म के जब भी ख़्याल आते हैं तो उन ख्याल को उसी टाइम उसी जगह पर मार करना है ताकि दोबारा जड़ नहीं पकड़ें तब जाके इंसान अपनी कमाल को अपने तकमील को अपने माराज को अपने अहसन तकवीम के मकाम तक को जाके पहुंच जाता है तो उस मकाम को हासिल करने के लिए ख़ुद को मिटाना पड़ता है और ये ट्वेंटी फोर सेवन का जो है ये काम है यानी चौबीस घंटे का धंधा है ये एक घंटे का या आधे घंटे का नहीं है कि आप गए और किसी कोने में रात को चार बजे बैठ के ताजुद पढ़ के अल्लाह अल्लाह करके आया फिर वापस अपने शगुल में मशगूल हो गए ऐसे नहीं होता है तो ये ट्वेंटी फोर आवर्स का जो काम है इसमें ही अपने आप को रखना है और शहरत याबी से उल शोहरत से क्रेडिट से उसूल इज्जत से इन सब चीज़ों से मावरा होना है ये वो खुद ही आ जाते हैं साथ में ये चीज़ें लेकिन खुद के अंदर जो है फना फिल्ला वाले मकाम में खुद को रखना है आगे पीछे नहीं सोचना है सोच इधर ही बंद कर लेना है और खुद को खुद नहीं समझना है मैं मैंने किसी को कोई अच्छा अच्छा नसीहत कर दिया फिर इस नसीहत पर यह नहीं सोचना है कि मैंने इसको नसीहत किया ये सोचना है कि मेरे जरिए अल्लाह पाक ने इसको ये नसीहत कराई अल्लाह पाक ने थ्रू किया वो बात थ्रू यू थ्रू मी उस बंदे तक पहुंचाए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है अगर मैं अपने माम बाप की इज्जत करता हूं इसका मतलब ये कि रब की बड़ा, रब का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि वो मुझे तोफ़ी दे रहा है कि तुम भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो ताकि तुम नेगेटिव पॉइंट्स हासिल नहीं करो पॉजिटिव पॉइंट्स हासिल कर लो तो ये चीज़ों हैं इन पर बहुत गौर करना पड़ता है या कि मैंने अपने आज मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत की तो ये इस बात पे मुझे अकड़ या के अंदर ही अंदर फ़खर महसूस नहीं करना चाहिए कि मैंने आज कलाम पाक की तलावत की और बड़े खुशू से की बल्कि मुझे इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तोफ़ी अदा की और मुझे हिम्मत दी मेरे जहन में ये बात डाल दी कि तू जा ये कलाम पाक की तलावत कर ताकि तू दूसरे सोचों से बच जाए और पॉजिटिव मार्किंग में आ जाओ पॉजिटिव मार्क्स हासिल कर लो और हर वक्त इस बात का होप होना चाहिए कि या मुझसे हमेशा इस किस्म की तोफीक मुझे दिया कर कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी में रहूं नेगेटिविटी से बच जाऊं तो नेगेटिविटी से बचने का आ, आ, नेगेटिविटी से बचना है यानी नेगेटिविटी के खौफ के अल्लाह पाक मुझे नेगेटिविटी में नहीं डाले वो तो, तो अल्लाह है उसको तुम्हारी पॉजिटिविटी का भी ज़रूरत नहीं है नेगेटिविटी का भी ज़रूरत नहीं है तो खुद के अपने खुद की भलाई के लिए ख़ुद के फ़ायदे के लिए इंसान को हर वक्त इस किस्म के ख़्याल से बचना चाहिए जिस किस्म के ख्याल में उसका मैं उसका अना जो है मज़बूत हो जाता है क्योंकि मैं और अना की मजबूती उसकी जवाल का सबब है उसके उरुज के सामने बहुत बड़ी रिकावटें हैं ये उसको मेराज तक नहीं पहुंचने देती हैं तो इन उरुज इन में आना और आ, में से इंसान को बहुत आ, दूर भागना चाहिए किसी ज़माने में मेरे मुंह से एक बात निकली थी एक आ, शेर है पोइट्री अंदाज में तो मैं ख़ुद सोचता हूँ कि मेरे मुंह से निकली लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरे मुंह से इस किस्म की बातें निकले वो ये था कि हाय सदा अल्तजा इस, इस फकीर का हाय सदा अल्तजा इस फ़कीर का निकालो मुझे हाय सदा अल्तजा इस फकीर का निकालो मुझे मैं से निकल सकता नहीं हूँ मैं तो इसका मतलब ये है कि इस मैज से निकालना भी रब की वो तोफिक भी रब ही अता करे वही निकाले हम लोगों में इतना वो नहीं है हिम्मत नहीं है इतना जो है आ, हम लोग इस काबिल नहीं है इस अहल नहीं है कि ख़ुद हम लोग इस चीज़ से निकलें वो भी रब भी निकाल सकता है बस उससे चौबीस घंटे दुआ उजारी करना चाहिए कि अल्लाह पाक मुझे इस किस्म के जो है सोचों से इस किस्म के अनापरस्तियत से निजात दिलाए और मुझे आजिज़ी व इनकसारी की तोहफ़ी कता परमा अल्लाह पाक फरमाता ने कलाम पाक में कि जो रहमान के बंदे हैं वो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं और कोई जायल उनसे सवाल करता है तो कहते हैं कालू सलामा अल्लाह पाक आप पर सलामती रखे तो ये वाले सोच जो है अपनाने ताकि बंदगी और फनाइत जै असल मकसद उसका क्या है सिर्फ़ और सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ गुलामी करना है खालिक की रज़ा हासिल करना है इससे बढ़कर हमारे लिए कोई बड़ा मकाम नहीं है कि खालिक की रज़ा हम लोगों पर हो और रज़ा नफ्स के कंट्रोलिंग में नफ्स को मिटाने में अपनी हस्ती को मिटाने में फिर हम लोगों को अल्लाह पाक मर्तबा अता फरमाते हैं तो उस मर्तबे को अता कर हासिल करने के लिए उस महराज को हासिल करने के लिए उस कायनात के राज हकीकी को हासिल करने के लिए खुद की नफ्स के राज को हकीकी को हासिल करने के लिए हम लोगों को ये मेहनत करना चाहिए दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू